Assalamualaikum dear friends. Assalamualaikum dear friends. We are back with our yummy delicious recipes. तो रुबाब आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड कुक पिज़्ज़ा. ओह यम्मी, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है. गाइस, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मैं बर्गर नहीं खाता, मैं पहले पिज़्ज़ा खाता हूँ फिर बाकी चीज़ें. तो ये हम दोनों का फेवरेट है. हाँ तो रुबाब, इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं. मेरे पास है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, अंडा, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है रुबाब. हाँ, और ये चाट मसाला, ऑलिव्स, बटर मेल्टेड, दूध और टमाटो सॉस, ये हमने घर पर बनाया है. हमारे पास है थोड़ा सा मैदा और हमारे पास है चिकन, सोया सॉस सेका, और हमारे पास है ओरिगैनो लीव्स और चीज़ और बेकिंग पाउडर. तो जैसे कि आपको पता है, हर किसी को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, छोटों को बड़ों को, और वो काफ़ी चीज़ी भी होता है. इसलिए मुझे पिज़्ज़ा की सबसे अच्छी चीज़ लगती है चीज़, चीज़ी. और जैसे कि आपने कुछ नोट तो किया होगा, हमने ये ख़रीदा है और ये काफ़ी प्यारा लगता है. आप लोग भी ख़रीद के कहीं पे भी लगा सकते हैं, ये हर जगह प्यारा लगता है. तो ये थे हमारी डिलीशियस पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स. तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और उससे पहले भी एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि लाइक आप किसी भी कोने में ये लगा सकते हैं, सारी जगहों पर ब्यूटीफुल लगता है. जैसे अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो ये बहुत प्यारा लगेगा. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा दीजिए. चले हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. कॉमेंट जी. तो सबसे पहले हम इसके चिकन तैयार कर लेंगे. चिकन मैंने तकरीबन लिया है 250 ग्राम्स और इसको 5 टेबलस्पून ऑयल में हम डाल देंगे. तकरीबन 1 टेबलस्पून हमारे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, सारा से डाल लेंगे ताकि चिकन की अच्छे से स्मेल ख़त्म हो जाए. मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है जी. तो पेस्ट हमारा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और चिकन ने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है. इस स्टेज पर आकर हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून. मैं एक ढक्कन ले रही हूँ सिरके का, इससे चिकन बहुत अच्छे से टेंडर भी हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी. थोड़ा सा टेस्ट भी इसका सॉल्टी हो जाएगा. वन टेबल स्पून हम ले लेंगे सोया सॉस, ये ऑप्शनल है लेकिन मुझे सोया सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. और चिकन को अच्छे से हम इसमें पकने देंगे जी. तो आप देख सकते हैं चिकन हमारा बिल्कुल वाइट हो गया है पिंक से. इस स्टेज पर अब हमने इसमें डाल देना है टिक्का मसाला. मैं शान का टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है ये. अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम जी. तो अब इसको हम ढक देंगे, इसको हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे. तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से गल जाएगा. जी तो चिकन को अब हम चेक कर लेते हैं, अभी भी इसमें पानी तो है लेकिन देखते हैं कि ये गला है कि नहीं. जी हाँ, ये बहुत अच्छे से गल गए. अब हम थोड़ा सा इसका फ्लेम तेज़ कर देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए.
चिकन को हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है, बहुत अच्छे से भून लेना है इसको। इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं होनी चाहिए। ढक देंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए और सारा मसाला इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए। जी तो आप देख सकते हैं चिकन हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब हम अलग से ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी तो पिज़्ज़ा बनाने का जो नेक्स्ट अब हमारा स्टेप है, हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 1 कप मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून है जी। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है विस्क से, बेकिंग पाउडर को भी और मैदे को भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें जी, चलें जी इसको अब हम साइड पे रख लेते हैं और अब हम इसका जल्दी से लिक्विड रेडी करते हैं जी। इसमें जाएगा 1 अंडा, 1 टेबलस्पून, और ये हमारे पास फुल क्रीम मिल्क है। ये आपने गरम लेना है, नीम गरम, ठीक है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने ये मैदा इसमें ऐड करना है, ठीक है। हमने डो नहीं बनानी, हमने इसका थिक सा बैटर बनाना है पैनकेक्स के लिए। दूध आपने ठंडा नहीं लेना, वरना इसके लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे और बिल्कुल टूटेंगे नहीं। चुटकी भर नमक डालेंगे, तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है ना ही बहुत ज़्यादा थिक। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। तब तक हम जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग है उसकी वेजिटेबल्स को थोड़ा सा हम भून लेंगे, क्योंकि ये पैन केक हम बेक नहीं कर रहे, हम फ्राइंग पैन में बना रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें जो सब्ज़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, सिर्फ इतना कि वो थोड़ी सी नरम हो जाए जी। तो टॉपिंग के लिए जो हमें वेजिटेबल्स चाहिए थी उसको हम, ये देखें ये वही पैन है जिसमें हमने चिकन रेडी किया था, इसी के मसालों में हम इन सब्जियों को सिर्फ नरम कर रहे हैं। ये जो वेजिटेबल्स होंगी आपने बहुत ज़्यादा थिन आपने की कटिंग करनी है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, मुझे स्लाइसेस पसंद है, इस वजह से मैंने इनको स्लाइस में ही रखा है। हम पैन केक भी इसी पैन में वॉश किए बगैर हम इसी पैन में बनाएंगे। जो मसाला इसमें लगा है वो थोड़ा थोड़ा पैन केक पर लग जाता है, जिससे इसकी बहुत ही मज़े की जो है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैं सिर्फ नरम कर रही हूँ इसको। मैंने प्याज थोड़े कम रखे हैं क्योंकि बच्चे प्याज थोड़ा कम खाते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। शिमला मिर्च मेरे घर में पसंद की जाती है इसलिए मैंने वो ज़्यादा रखी है। आप अपने हिसाब से सब्ज़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। तो ये बहुत अच्छे से हो गई है नरम, ये देखें। अब इसी पैन में हम
पैनकेक्स बना लेंगे पिज़्ज़ा के लिए। अगर आप ये स्टेप्स बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बन जाएगा। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा हमने ग्रीस करना है पैन को। बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे हम पैनकेक को। कहीं से बहुत ज्यादा मोटा या पतला ना हो। जी बिल्कुल रेडी हो चुका है। वेट करेंगे कि उसकी एक साइड अच्छे से पक जाए। इसकी साइड से आप थोड़ा सा बटर भी स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं आपने डालना। आराम से फ्लिप कर लेंगे। बटर या ऑयल आप ऐड कर देंगे पैन में ताकि अच्छे से दूसरी साइड भी इसकी पक जाए। जब ये पक जाएगा तो ये हल्का हल्का मूव होना शुरू हो जाएगा। फ्लेम बिल्कुल लाइट किया हुआ है हमने। सेकेंड्स के लिए इसको हम ढक देंगे। साथ साथ आपने देखते रहना है, ऐसा ना हो कि इसकी जो ये बेस है कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाए। जी तो हमारी एक साइड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी टॉपिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम आपका बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाए। जी तो टॉपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर में ही बनाई थी, ये अप्लाई कर देंगे। इससे मैंने थोड़ा सा मेयोनीज, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून हमारा केचप था, 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर लिया मेयोनीज। और इसमें आप डाल सकते हैं चिली फ्लेक्स, लेकिन क्योंकि ये बच्चों ने खाना था इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। चिकन के कुछ चंक्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स
और एंड में हम ऐड करेंगे इसमें चीज। और हाँ, ऑलिव्स भी डालने। ऑलिव्स ऐड कर लेंगे। मैंने ग्रीन ऑलिव्स लिए, आप ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज और डाल देंगे जी। तो अब इसको ढक देंगे और तकरीबन 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 3 मिनट में हमारा पिज्जा हो जाएगा रेडी जी। तो इसको चेक कर लेते हैं जी। हाँ, हमारी चीज हो गई है मेल्ट, पिज्जा हमारा है रेडी। तो इसको सर्व करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। गाइज, आज हम दोनों ये पिज्जा, डिलीशियस पिज्जा हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं टेस्ट करूँगी तो तुम पहले। गाइज, गाइज ये बहुत टेस्टी बना है। आपको डिलीशियस रेसिपी अपने घरों पर ट्राई जरूर करनी चाहिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, बहुत मजा आएगा। बाय करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और उसका बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़। यस, गुड, बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।